जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएसए टूर्स कोलोराडो मौजूद हैं। आज हमारा सेकंड डे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोलोराडो स्प्रिंग से होते हुए अभी कैनन सिटी जा रहे हैं। वहाँ पे हमने दी गॉज ट्रेन को पकड़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट टूर है वो। आपको वहाँ पे सीनरी दिखाई जाएगी। जब भी आए इस तरफ आपको दिखाया जाए, लेफ्ट गार्डन ऑफ दी गॉड्स था। वो जो पीक नजर आ रही है पहाड़ों पे, वो पीक स्पाइक जो हम लोग कल आपको 13 माइल तक लेके गए। अभी हम लोग इस पहाड़ों के देखे, बड़ा खूबसूरत एक टाउन है यहाँ पे। पहाड़ों की बैक पे हम आए, एक कैनन सिटी मिलेगी जो हम लोग एक ट्रेन के टूर पर जा रहे हैं। वो आपके लिए और हमारे लिए भी एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हम आपको नई नई वीडियो दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह रोड देखें जनाब, तकरीबन हम लोग 7 माइल अवे हैं कैनन सिटी से और हम दाखिल होते जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रोड है, क्या खूबसूरत सीनरी है। ये देखें, आपको मैं करीब करके रोड दिखाऊं तो अप्स एंड डाउन रोड है सारे यहाँ पे। जी हम लोगों ने बोर्डिंग का इंतज़ार करनी है द गॉड्स ट्रेन के बारे में, और उस दौरान हमारे पास 2.5 घंटे हैं बोर्डिंग तक जाने के लिए। तो इंशाल्लाह ट्रेन पर लेकर चलते हैं। कैनन सिटी में हम ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी मेंशन करता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमेशा कोशिश करा करें कि जहाँ भी जाएँ उसको फोकियत जो हलाल है उसको खाया करें, बाकी और चीज़ों से परहेज़ किया करें, ठीक है। अल्लाह करीम आपको इसका अजर देगा। बेहतरीन आपके पास पिज़्ज़े की ऑप्शन होती है, ये मैंने आपको बताया है। हमने पिज़्ज़ा हट से ये पैन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। इस पे क्या ऑप्शन है, खाली दो चीज़ें बतानी होती हैं, उनको बताओ कि प्लीज़ क्लीन कट कर दें, और दूसरा ये बताओ कि भाई ग्लव्स चेंज कर दें। बताने की ज़रूरत नहीं, आप मुसलमान हैं, ये है। उनको बताएं हमें एलर्जी है, मीट एलर्जी है, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको बेहतरीन बना कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, और मुनासिब पैसे भी होते हैं, और आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप हमेशा इंशाल्लाह हलाल की तरफ जाएं और हलाल चीज़ें खाएं। शुक्रिया। आज हम आ गए हैं जी द गॉड्स रेल रोड ट्रेन के पास। ये हमें कैनन सिटी के अंदर से लेते हुए रिवर दिखाते हुए लेके जाएगी। हम अभी यहाँ बोर्डिंग के लिए तकरीबन 1 घंटा हमें पहले आना पड़ा है। ये पूरी ट्रेन आपको जो नज़र आ रही है इसके बारे में बताता चलूँ, इन्होंने हमें 3 किस्म के टिकट्स हैं। मैं रिकमेंडेशन जो है सिंपल ये कोच की है, $89 पर पर्सन। इसमें 12 साल से नीचे बच्चों ऊपर तक के लिए सबको चार्ज करते हैं। और 3 और कैटेगरीज इसमें ये हैं कि आप दी फर्स्ट क्लास और डेलक्स और कोच। उन ऊपर वाली क्लास में ऊपर से शीशे हैं, आपको सारा व्यू नज़र आता है। सेकंड डेलक्स के अंदर आपको फूड दिया जाता है, सारा व्यू नज़र आता है। लेकिन कोच के अंदर भी सहूलत ज़्यादा मुयसर है, मेरे ख्याल से थोड़ा पैसे बचाने के लिए आसान है। अभी मैं आपको अंदर लिए चलूँगा, दिखाऊँगा कि उसका अंदर से क्या नज़ारा है। और ये 2 घंटे का ट्रिप है, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। अगेन बता रहा चलूँ, कोलोराडो स्प्रिंग्स से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है, अबाउट 50 माइल्स, और कैनन सिटी की तरफ आते हैं कोलोराडो के अंदर। इसमें हम आपको द गॉड ब्रिज भी दिखाएंगे, रिवर भी दिखाएंगे और ट्रेन ट्रैक भी दिखाएंगे। स्टे विद मी। जी बोर्डिंग स्टार्ट होगी है सर, वेलकम टू अब्रॉड। एंड इसके बारे में बताता चलूँ, 1891 में ये टाउन बना था कैनियन सिटी के नाम से, और 1950 में इन लोगों ने प्रॉपर विजिटर्स के लिए ये खोला है। तो हमारा जो गेट है वो नंबर 5 है, हम नंबर 5 पे आ गए। हमें बताया गया कि आप लोग, ये है जी डेलक्स वाली, ठीक है, यहाँ से बताते हुए चलते हैं यहाँ पे।
हमें बताया कि दो नीचे जाएं, दो कार के बाद आपका नंबर आएगा। ये है जनाब हमारा कोच, ये ले, ये है जी नज़ारा। जहाँ कितनी स्मूथ राइड जा रही है, ये देखें। ये हम लोग ट्रेन पे रवान दवा हैं इस वक्त। चेक आउट दी राफ्टिंग गाइस, चेक आउट दी राफ्टिंग, नाइस वन गाइस। चेक दिस आउट, वाह भाई वाह, वेरी नाइस। ये है जी दी गॉर्ज रेल रोड, और हम लोग कैनियन को काटते काटते आगे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बड़ा शानदार एक्सपीरियंस है, लाजवाब एक्सपीरियंस है। जब भी आए आप कोलोराडो तो गार्डन ऑफ द गॉड्स और पीक पाइक्स के अलावा दी रेल रोड लाजमी लेनी है आप। सुभान अल्लाह, इसको कहते हैं जी दी नेशनल गॉर्ज ब्रिज कोलोराडो वन। ओह, और आप देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। इसकी हाइट चेक करें भाई, ओह माय गॉड, क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। देखें ना अल्लाह, साथ साथ पानी चल रहा है, ठीक है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ओह माय गॉड, ये है जी ब्रिज आपका, और अ ब्यूटीफुल, और तो क्या नजारा है भाई। सो टाइम था थोड़ा, मैं तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं, ये ब्रिज क्लोज कर देंगे। आई थिंक दे क्लोज 6 o'clock एवरी डे, और 365 डेज ओपन रहता है। मैंने तकरीबन सबसे चीपर पैकेज लिया है $26 का। मैंने कहा यार मुझे खाली ये कवर करना है, मुझे अलाउ करो जाने के लिए। तो इसके अंदर केबल कार पे भी आप बैठ सकते हैं, जिप लाइनिंग वगैरह की और एक्टिविटीज़ आपको अपने खुद से करनी है। ये वो ब्रिज है जो मैंने नीचे आपको ट्रेन के थ्रू पर दिखाया था। अभी मैं आपको इसकी हाइट दिखाऊँगा ना, आप हैरान रह जाएंगे कि देखें पहाड़ के ऊपर ब्रिज बने होते हैं ना, ये पहाड़ ही नीचे हैं। इस जगह की खूबसूरती ही यही है। मैं भी आपको ब्रिज दिखाता हूँ, माशाल्लाह, क्या क्या, तकरीबन 200 साल पुराना ब्रिज है भाई, 200 साल पुराना ब्रिज। चेक दिस आउट गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट, और हम आए हैं जी अभी गॉर्ज ब्रिज के ऊपर। अभी आपने डरना नहीं इसकी हाइट देख के। मैं ज़रा अपना मोबाइल भी टाइट कर लूँ, ये देखो बल्ले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको याद है, पहले मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाऊं, ये देखें आप, दोबारा बताता चलूं, पहले वो देखें, यहाँ से बंजी जंप भी होती है, जिप लाइनिंग भी है, यहाँ से अल्लाहु अकबर,
तो बहुत जने ने बचो। और यहाँ ये देखें, हाइट पहले चेक करवाऊँ, मैंने अभी आपको पहले बताया हमारी जो ट्रेन थी वो यहाँ से गुजरी नीचे से, ये ट्रेन की पटरी आ रही सारी, ठीक है। तो ये खूबसूरत स्पॉट कोलोराडो में, इसके लिए हम लोग कोलोराडो का सफ़र तय किया। और ये देखें माशाल्लाह क्या नज़ारा है इस ब्रिज का। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको सारा रेड़ा मैदान नज़र आएगा। वहाँ से जब हम लोग आए तो हमने कहा यार ब्रिज कहाँ पर होगा, लेकिन आगे आए तो पता चले कि क्या ब्रिज है भाई। पहाड़ देखेंगे, अल्लाह की शान। मैं आपको यहाँ अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता, कितना मुझे यहाँ पे एक फीलिंग्स आ रही हैं। ये केबल कार इसी प्यासों में मौजूद है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया आपको। $26 चीप टिकट था, क्योंकि 20 मिनट रह गए थे मुझे खाली डिस्कवर करनी थी ये जगह। बहुत सारी ट्रेन वहाँ से आई नीचे से, और यहाँ से ये ब्रिज क्रॉस करके उसने हमें यहाँ पे रोका और हमने ये नज़ारा देखा। अगेन देखें आप, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत। ये देखें किस तरीके से ये पहाड़ की चट्टानें किस तरीके से खड़ी हैं, किस तरीके से ये खड़ी हैं। इनको खड़ा करने वाला तो कोई है ना, जो साकिन है, जो किसी के हुक्म से चलती हैं, वो है ज़ात अल्लाह करीम की, सुभान अल्लाह। ये मैं अगर आपको हाइट दिखाऊं तो आप हाइट देख सकते हैं भाई, ये नीचे वाला जूम सबसे नीचे जाएगा तो आपको कुछ नज़र नहीं आना। ये देखें अल्लाहु अकबर, यहाँ की फीलिंग मैं क्या बताऊँ आप, शानदार फीलिंग्स हैं। मस्ट ट्राई दैट प्लेस। और पीछे नज़ारा देखें सारा, इतनी हाइट है, यहाँ से बंजी जंप करते हैं लोग भाई, बंजी जंप करते हैं, अल्लाहु अकबर। दूसरी साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें वो ट्रेन का ट्रैक जिस पे हम लोग गुजरे हैं, पहले आए हैं यहाँ से गुजरती गुजरती वो आई, और पीछे आपको हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, आप हेलीकॉप्टर की राइड भी ले सकते हैं। सुभान अल्लाह, हम लोगों ने अभी ब्रिज को क्रॉस कर और वहाँ पे विजिट कर हम लोग डुरेंगो जा रहे हैं, डुरेंगो कोलोराडो, बड़ा खूबसूरत टाउन है वो भी। और ये रास्ता हमने इसी वजह से लिया है कि हम आपको रंग बिरंगी सीनरी दिखा सकें। हमारा अभी तकरीबन इंशाल्लाह 4-4.5 घंटे का रास्ता है, तो मैं हम आपको बताएँगे साथ की सीनरीज वगैरह बताते रहेंगे। कोलोराडो का जो हमारा आखिरी स्टॉप होगा वो डुरेंगो होगा, डुरेंगो और उसके ऊपर जो है ना एक और गाड़ी के नाम से इन्होंने बनाया हुआ टेलूराइड जो हम चला रहे हैं, ये दोनों नाम इसी सिटी कोलोराडो से ही हैं। तो हम जा रहे हैं डुरेंगो और वहाँ पे हमने स्टे करना है इंशाल्लाह, और उसके बाद हम आपको कल चीज़ें बताते चले जाएंगे।